star. I love you. इससे पहले ये ब्रेड से लीफ होना शुरू हो जाए. It is really cheap. Oh, thank you so much. देर हो रही और ट्रेन मिस हो गई तो हमारा खाना रह जाएगा. सिबियू हम आ रहे हैं. गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुकरेस्ट रोमानिया. तो भाई हमारी कोशिश ये होती है जब भी हम किसी नए मुल्क, नए शहर, नई जगह जाएं तो वहाँ के प्यारे और ख़ूबसूरत लोगों से आप लोगों को मिलवाएं, खुद भी मिलें. उसके अलावा वहाँ की हिस्टोरिकल जो जगहें हैं वो एक्सप्लोर करें और सबसे नहायत ज़रूरी चीज़ जो है वहाँ का खाना आप लोगों को दिखाएं और ख़ुद भी खाएं, क्योंकि हम लोग आप लोगों को पता है कि बहुत बड़े खाने के शौकीन और फूडी हैं. तो हम ये करने वाले हैं कि हम आज रोमानियन स्ट्रीट फूड जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. यहाँ के खाने के बारे में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी है और इंतज़ार को लगता है यहाँ का खाना बहुत यूनिक है. हर जगह नहीं आपको मिलेगा ऐसा. देयर इज सम सिमिलैरिटीज विद टर्की, लेकिन यूनिक चीज़ ये कि हम यूरोप में हैं और हम हलाल खाना ढूंढेंगे थोड़ा बहुत. हमारी कोशिश यही होगी कि अगर हमें इक्का दुक्का भी हलाल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए तो वो भी आप लोगों को दिखाएं और ट्राई करें खुद भी. और जाहिर है ये साउथ ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है तो यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत है खाने में भी. तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मज़ेदार किस्म की चीज़ें खाएँ, आप लोगों को दिखाएँ, ताकि अगर आप लोग भी कभी आएँ तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकें. तो हम लोग चलते हैं, खाना खाते आए. सो वी जस्ट वॉक्ड अबाउट 10 मिनट्स फ्राम आवर होटल और हमें नज़र आया ये पेस्ट्री शॉप विच इज़ कॉल्ड यांग के. यहाँ से खुशबू आ रही थी जैसे कुछ बहुत ही मज़े का बन रहा हो. सो वी गोना बाय समथिंग, लेट्स सी व्हाट वी गेट. थैंक यू. अच्छा, तो बुकरेस्ट में सुबह के नाश्ते का सीन जो है वो बहुत ही आला है. यहाँ पे मुख्तलिफ बेकरीज आपको नज़र आएंगी जहाँ पे गर्मा गर्म इस तरह की पेस्ट्रीज मिल रही हैं. तो मीट यहाँ का, जिस जगह हम लोग रुके, यहाँ का हलाल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन जो था, कैबेज पेस्ट्री, उसके साथ आलू वाली पेस्ट्री है, तो वो लिए हैं. जो हमारे आलू वाले पेटीज होते हैं बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है और बिल्कुल गर्मा गर्म नहीं बना रही आंटी. हाँ, अभी ये ओवन से निकलेगी, देखिए दानी के मुँह से बड़ा है. इट्स मैसिव. And I'm gonna take my first bite. गरम, मज़ेदार. मैं ट्राई करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को कैसा है. इतना सॉफ्ट, इतना नरम और गर्मा गर्म खस्ता. बिल्कुल जैसी मुंह में मैंने बाइट ली वो जाके बिल्कुल घुल गया और आलू बिल्कुल मैश्ड हुए में. बहुत ही लजीज है यार, बहुत मज़ेदार है. ठंडे ठंडे मौसम में गरम पेस्ट्री का अलग ही मजा आता है. And now I think I need a cup of coffee. I haven't had one today. Coffee, please. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road. So we are at. और ये इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेस्ट्री शॉप्स है. यहाँ पे हर वक्त लाइन लगी होती है और मैंने इनकी सबसे फेवरेट पेस्ट्री ली है. दिस इज कॉल्ड कोवरिगी. इट एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ गैब्रिक या सिमित इन टर्की, बट इट्स एक्चुअली रियली हार्ड. आई एम गोना ट्राई इट. इस पे पॉपी सीड्स लगे हैं. बहुत ही मजे का. दिस इज सेवरी बट आई एक्चुअली गॉट 2 ऑफ देम. यहाँ के लोकल जो हैं वो इसके बगैर अपनी सुबह जो है वो मुकम्मल नहीं करते हैं नाश्ता अपना. तो ये हमारे लिए हमारा नाश्ता है और यहाँ के लोकल्स भी क्लियरली ये नाश्ते में बहुत पसंद करते हैं. डार्क पॉपी सीड वन वाज सो डिलिशियस. जो यहाँ पे लड़की काम कर रही थी उसने मुझे रेकमेंड किया था कि तुम ये वाला भी लो. सो दिस वन इज लाइक द स्वीट वर्जन ऑफ द कोवरिगी. आई एम गोना टेक अ बाइट. Wow! तो ये जो कोवरिगी होता है, it is really cheap. It is 1.5 lei, and the sweet one and the savory one cost the same amount. मैंने एक और चीज़ भी ली है. Romanians को strudel बहुत पसंद है. They love something like this. और ये रोटी सी लग रही है लेकिन इसमें actually cream चीज़ है. So जो लड़की थी उसने मुझे recommend किया था ये try करो, तो मैं try करने वाली हूँ. This one is as amazing as the other ones. ये strudel 5 lei का था and overall it was really cheap to have this for breakfast. Let's go get some coffee. दोनों बाप बेटी कर क्या रहे हैं बाथरूम जाके? Danny. हाँ तो भैया रूखा और सूखा मज़ेदार किस्म का नाश्ता करने के बाद हमें शदीद कोई तलब हो रही है कॉफ़ी और चाय की। तो चाय तो यहाँ मिलने से रही, तो हमने यहाँ कॉफ़ी की जगह ढूंढी है। मिसाल ने एक्चुअली ढूंढी है, इसका नाम है क्लॉस। तो भाई क्लॉस जो है, जहाँ से हमने अभी पेस्ट्रीज खरीदी थी वहाँ से मुश्किल से 3 मिनट की वॉक पे था। तो भाई ने बोला कि हम यहीं से कॉफ़ी पियेंगे और इनकी मौका, आपको पता है मौका देखते के साथ ही मैं मौका खरीदता हूँ और चौका मारता हूँ। तो हमने यहाँ पे ये मौका खरीद लिया और बेहतरीन मौका है, ऐसा कोई रिच, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग, ऐसा कोई मज़ेदार फ्लेवर है। मैं बिल्कुल ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा, जो है मैं वही, मतलब मैं सोने को सोना ही बोलूँगा ना, या सोने को चांदी तो नहीं बोलूँगा। तो ये कॉफ़ी है, मैं आधी से ज़्यादा पी चुका हूँ। चली जाए उसके बाद आप पकड़े मुझे मत जाके। अच्छा, तो ये मौका जो है, सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि एक तो स्ट्रॉन्ग और रिच फ्लेवर है लेकिन बर्न नहीं है। काफ़ी जगहों पे ये होता है कि वो उसको बर्न कर देते हैं, तो कॉफ़ी का जो प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है वो नहीं आता, वो ऐसा लगता है जलीबी कॉफ़ी आप पी रहे हो। तो वो सीन बिल्कुल नहीं है। इम्तिसाल ने यहाँ पे लिए अमेरिकानो विद मिल्क और किनारे के लिए हमने हॉट चॉकलेट ली थी, जो कि उसने भी बिल्कुल नहीं, आधी तो नहीं थोड़ी सी पी है, लेकिन अब बाकी वो बाद में पिएगी जब उसको भूख लगेगी। तो हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से कॉफ़ी पी कर जाएंगे, थोड़ा सा लंच करेंगे क्योंकि आज हम स्ट्रीट फूड की वीडियो बना रहे हैं। तो लंच से पहले थोड़ी सी शॉपिंग होगी। बॉय ये शॉपिंग वाला सीन जब आ जाता है बीच में ना, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन अब कर लेंगे क्योंकि मुझे भी तो बेल्ट चाहिए। मेरी बेल्ट गिर रही है यहाँ पे, मैं इज्जत बचाता फिर रहा हूँ अपनी रोमानिया में। मेरी बेल्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो मेरा वजन कम हुआ है या कोई और सीन है। बेल्ट बड़ी तो नहीं ली है मैंने, साइज तो मेरा ही है लेकिन गिर रही है। तो आई थिंक बेल्ट लेते हैं, जल्दी बेल्ट लेते हैं, बेल्ट लेते हैं, उसके बाद फिर पेटी कस के चलते हैं खाना खाने अपना। दोपहर का आ जाए हमारे साथ। So for lunch today we made our way back to the old town, which is a really significant part of Bucharest. और old town में एक kebab shop है, Dristor kebab, which has actually been there since 1999. So let's see what all the hype is about. Are you a YouTuber or something? YouTuber, yes. Did you write your channel name? Yeah, sure. Same again. Enjoy Pakistan. I love you. We love you too. So the best lunch over here, और especially because it's so ठंडा is soup, और soup को ये लोग बुलाते हैं शोरबा, जो काफ़ी similar है हमारे से, हम शोरबा बुलाते हैं। And the soup here is so hearty, इसमें vegetables हैं और lentils हैं। Soup के साथ आते हैं croutons in like this tiny packet. You also get like pickles and lemon with the soup. मसाले मैंने डाले हैं, I'm gonna just put lemon juice. और रैंडम बात ये है कि इसके साथ चिप्स भी मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ओप्स, यू गेट चिप्स विद दिस। अच्छा, देसी जो सूप होते हैं, ये पूरे लॉट ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड स्टफ इन इट। ये बिल्कुल पतला सूप है, इट्स लाइक वाटर बट इट्स रियली 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 गुड एंड वार्मिंग। दिस वाज 15 लei और 15 lei में ये सब कुछ है, चिप्स, क्रूटॉन, सूप और ये चिली, which I'm gonna try right now. तो भैया आपके लड़के ने बेल्ट खरीद लिया और पैंट कस लिया और वक्त आ गया है कि हम जोरदार किस्म का ऑथेंटिक रोमेनियन कबाब ट्राई करें। हम लोग इस टाइम पे पहुंच चुके हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है ड्रिस्टर कबाब, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पे हलाल फूड ढूंढेंगे। अगर हमें हलाल फूड मिल गया तो वो आप लोगों को दिखाएंगे, और खुशकिस्मती से हमें ये हलाल बीफ की दुकान मिली है जहाँ पे इनका बीफ जो है वो ऑथेंटिक सर्टिफाइड हलाल है। और यहाँ पे ज़ोरदार किस्म का ये कबाब मेरे सामने है, जिसमें अनियंस हैं, जिसमें पिकल्ड कैबेज है, जिसमें टोमेटोज़ हैं, जिसमें मतलब दुनिया की सारी वेजिटेबल इन्होंने डाल दी हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में कई कबाब खाए अपनी ज़िंदगी में, हमने पाकिस्तान में, टर्की में, इधर उधर बहुत कबाब खाए, लेकिन इस कबाब की सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये कि जिस तरह से उन्होंने सॉसेस को, सारी चीज़ों को, शेव्ड बीफ उन्होंने मिक्स किया सॉसेस के साथ और फिर वेजिटेबल्स के साथ। तो वो मसाले जो अंदर इसके रोटी के जज्ब हो गए ना, वो मेरे ख्याल से इस चीज़ को सबसे अलग बनाएंगे और मुनफरद बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहली बाइट लेने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही मज़े की होगी। अच्छा, इसके अंदर चिप्स भी हैं, लेकिन आपका भाई जो है वो हरी मिर्चों के बगैर कोई चीज़ खाता नहीं है, तो मैं हरी मिर्चों के साथ इसको खाऊँगा। तो यार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस चीज़ की तारीफ़ करना या इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये बेहद लजीज है। मैं कोशिश करता हूँ इसको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की। तो इसके अंदर शेव्ड बीफ है जो कबाब होता है, और उसके साथ इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सारा गेम जो है वो इस पिकल्ड कैबेज, अनियंस, मेरे ख्याल से अनियंस जो है उसको भी हल्का सा उन्होंने मसाला या कुछ अपने तरीके से हर्ब्स एंड स्पाइसेस डाल के मिक्स किया हुआ है। और उसके साथ मेरे ख्याल से क्यूकम्बर है, वो भी पिकल्ड मुझे लग रही है, ऑलिव्स नहीं है लेकिन कुछ और उसी से मिलती जुलती चीज़ है। और सॉसेस जो एवली और जो स्पाइसी सॉस है, अमेजिंग भाई, मतलब बेहतरीन कबाब है। और मीट की क्वालिटी जो है वो बहुत मज़े की है, खाली वो फैट नहीं है जो मतलब अमूमन हमें मुख्तलिफ कबाब शॉप्स पे नज़र आता है। You know what? The people here love meat. They're meat lovers. हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मीट ही बनी होती है यहाँ पे। और ये सूप हमने कल रात में भी पिया था, लेकिन सूप बहुत लजीज है, खास तौर पे इस तरह के मौसम में हल्की सी खुनकी है, ठंड है, इस तरह का सूप जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट वाइज ये सूप बहुत मज़े का है। So everything, yeah, so delicious. Everything has seasoning in it. जैसे कुछ गोरों के मुल्क में हमें फील हुआ जैसे नमक एंड सॉल्ट एंड पेपर भी नहीं डाला हुआ, इसमें चिली है, चिली और हर चीज़ है। तो इस कबाब की एक और बाइट लेना जो है वो करना है। Do you think it was a really unique technique? बहुत अलग टेक्निक थी। हमने जितने भी कबाब अभी तक खाए हैं, मैंने कहीं इस तरह की टेक्निक यूज़ होती हुई नहीं देखी है। मेबी बिकॉज कबाब जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल से जनरल चीज़ बन गई है, मतलब दुनिया के हर कोने हर हिस्से में मुख्तलिफ तरीके से वो अपने तरीके से वहाँ पे बनाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे तरीका है वो टर्किश इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, वो अरब इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, क्योंकि बुकरेस्ट जो है वो एक मेल्टिंग पॉट है, तो यहाँ पे मिक्स्ड कल्चर आपको मिलेगा। तो इस कबाब के अंदर मुझे वो मिक्स कल्चर जो है वो नज़र आ रहा है और जायका उसका आ रहा है। मुझे लग रहा है इसके अंदर लेबनीज़ का भी हाथ है, मुझे लग रहा है इसके अंदर ग्रीक का भी हाथ है, गायरोस होते हैं, यूरोपियन का भी हाथ है, किसी टर्किश का भी हाथ है, और अब पाकिस्तानी के हाथ में आ गया है, तो बस क्या ही बात। एक और बाइट लेते हैं इसकी और फिर कटते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें शाम में कुछ और भी खाना है। तो ये हमारा एक तरह का एपेटाइज़र है, ये खाएंगे, उसके बाद फिर मेन कोर्स की तरफ चलते हैं। तो भैया मज़ेदार किस्म का दोपहर का खाना खाने के बाद कबाब और सूप और चिप्स और पिकल्ड अनियंस और पता नहीं क्या क्या, हमने सोचा कि क्यों ना हम किसी अच्छे से पार्क चलें और वहाँ पे थोड़ा सा चिल करें, नाया भी चिल करें, खेले कूदे। तो हमारे अपार्टमेंट में जो हम सिटी सेंटर में रुके हुए हैं उससे 500 मीटर्स दूरी पे एक पार्क है जिसका नाम है सिस्मिग्यू गार्डन्स, सिस्मिग्यू गार्डन्स, और ये हाईली रेटेड यहाँ का पार्क है। सुपर पॉपुलर प्लेस टू कम, लोग इधर शाम वाम में आते हैं, सुबह भी आते हैं, वीकेंड में तो ये पैक्ड होता है। तो आज हम आए हैं जस्ट सो वी कैन रियली चिल आउट। इनाया भी थोड़ा खेलेगी, शी इज बोर्ड ऑफ सिटिंग इन द प्रैम एंड इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो खाना भी हजम करते हैं और इनाया को थोड़ा सा खेलने का मौका देते हैं। लेट्स गो। So it's just been a couple of minutes that we've been here already. मुझे एक ऐसी मेलबर्न वाली वाइब आई है यहाँ से। So a lot of you guys know कि हम लोग मेलबर्न में बेस्ड थे और ये पार्क इज़ लाइक मेलबर्न और यूरोप को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो ये पार्क बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप्स आए हुए हैं, लड़के लड़कियों के, स्टूडेंट्स के, अंकल आंटियों के। कोई ग्रुप यहाँ पे बैठ के सुट्टा मार रहा है, कोई ग्रुप यहाँ पे बैठ के दायरा बना के गोल उस पर KFC खा रहे हैं और चुप करके बिल्कुल मतलब खामोशी है, पिन ड्रॉप साइलेंस, और सब एक एक बाइट ले रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कोई कल्ट ग्रुप बैठा हुआ है, इल्यूमिनाटी टाइप का कोई सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ चुप करके वो खाना खा रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तो अच्छा, हमें यहाँ पे इनाया की और बच्चों की राइड्स और स्विंग्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ गई हैं, तो इनाया को वहाँ लेके जा रहे हैं और इनाया को थोड़ा सा खेलने का मौका देंगे। ये देखें ये सारे कल्ट ग्रुप। दिस वन इज़ एक्चुअली अ ट्रेडिशनल मतलब रोमानियन डिश, इसको बोलते हैं सलामी है, और मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी। आई वाज लाइक ये सलामी है मे बी बिकॉज इसका शेप जो है वो सलामी जैसा है, ये लगता है फुल सलामी जैसा है, लेकिन ये मीठा है। अब मैं इसकी बाइट ले रही हूँ। नमकीन से शुरू नहीं करना था, चलो। I couldn't resist that. It's so yummy, जैसे बहुत बिस्किट जैसा टेस्ट है। अच्छा, प्रोफिटो, 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 मेरे ख्याल से कुकीज़ को यहाँ पे प्रोफिटो कहते हैं। तो और अगर अच्छा लगे तो ब्रावो, ब्रावो। अच्छा, इनाया ने ये ऑर्डर किया पिस्ताशियो, चिया और स्ट्रॉबेरीज का चीज़ केक, विच लुक्स रियली यमी। लेकिन इनाया बेटा पहले आप ये नूडल्स खाएं। सुपर बेबी, ओह थैंक यू सो मच। मेरी पसंदीदा गुआकामोली एवोकाडोस की जो बनती है वो इसके अंदर उन्होंने दिल खोल के डाली है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। तो कोई क्रीमी या कोई हॉट सॉस नहीं है, गुआकामोली है, एक स्लाइस टोमेटो का है, लेटस है थोड़ी सी, और बड़ा मज़ेदार किस्म का होल सा मेरे ख्याल से वीट का बना है। ये ऊपर जो है वो तिल है सफ़ेद वाले और चिकपी और उसका जो फलाफल लेंटिल्स का पैटी है। तो बर्गर बहुत जोरदार है, यू विल लव इट। एवोकाडो ज़रूर लेना। और इसके साथ यहाँ पे एक क्रीमी स्पैगेटी है एवोकाडो और टोमेटोज़ के साथ। ये जो क्रीम है ये कैश्यू क्रीम है, कैश्यूज़ की, हाँ काजू की। अच्छा मम्मा So guys, we are gonna continue our street food tour in the town of Sibiu. और Sibiu जाने के लिए हमें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। It's a 6-hour ride. तो देख ले हम कितने बड़े foodies हैं। We are gonna make all our way to the train station right now. Actually हम late हो रहे हैं, आधे घंटे में हमारी ट्रेन है। चलो दानी quickly चलो। हड़बों में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। Uber हमें नहीं मिल रही थी, मिस हो गई थी, कैंसिल कर दिया था हमारे पे, क्योंकि जो जगह थी वो काफ़ी कंजेस्टेड थी। तो हम यहाँ से जल्दी से पूछेंगे कि हमारे कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद भागेंगे क्योंकि देर हो रही है और ट्रेन मिस हो गई तो हमारा खाना रह जाएगा। Sibiu हम आ रहे हैं। So हम बिल्कुल 5-10 मिनट दूर हैं Sibiu से। We are so excited and hungry. This trip is it's just getting better and better. हमने अपनी पहली ट्रेन ली है यहाँ पे and it was really pleasant. 6 घंटे की you know ride, पता भी नहीं चला। The seats are super comfy. जैसे ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटे-छोटे टाउन जो स्टेशन हमें बीच में रास्ते में नजर आए, तो वहाँ पे कोई स्टॉल लगा हुआ है, किसी अम्मा ने हल्का सा स्कार्फ पहन के बाल हल्के से फ्राई निकाल के पराठे बना रही है, कोई भुट्टे बना रही है, कोई इस तरह की चीज़ें कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है मेन शहर या मेन मेजर जो सिटीज़ होती हैं उससे। तो इसीलिए हमारा हमेशा मकसद यही होता है कि हम एक शहर या दो शहर ना करें, हम 1-2 शहर मेन जो है वो कवर करने के बाद मेन जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, वो कवर करें और वहाँ पे उनका जो रिच कल्चर है वो देखने की और वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं Sibiu। तो बस पहुँच गए, हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर पहला शॉट होगा खाने का, क्योंकि भाई को भूख लगी है और बहन को भी लगी है आपकी। Okay, see you there. तो हमने ये सोचा कि इस रोमानियन स्ट्रीट फूड वीडियो को एक हाई और हैवी नोट के ऊपर एंड किया जाए, तो हम लोग इसलिए Sibiu में मौजूद है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही हाईली रेटेड रेस्टोरेंट है। दूर-दूर से लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सूप मंगवाया और ये सूप जो है ये स्पिनच ग्रीन सूप है, जो कि एक ब्रेड में सर्व किया गया है और इसके ऊपर ये ब्रेड का ही लिड है। तो ये ब्रेड का ढक्कन आप खोलते हैं, हटाते हैं और इसके बाद आपको ये स्पिनच ग्रीन सूप नज़र आता है विद कोयल एग। तो कोयल जो है वो बटेर होती है, बटेर का अंडा है इसमें, और मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऊपर से डाला है क्योंकि मुझे यहाँ का ऑलिव ऑयल जो है बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत रिच फ्लेवर है उसका। बहुत फिट है यार, बहुत मज़े का है। हर चीज़ जो है वो फ्लेवर जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं है। नमक का रेशो जो है बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे हल्का सा इसमें गार्लिक का भी फ्लेवर आ रहा है, मेरे ख्याल से उन्होंने सूप बनाने से पहले गार्लिक डाला। थैंक यू। तो मैं अपना डिनर स्टार्ट करी हूँ सैमन के साथ, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव सैमन। सो दिस सैमन केम विद वाइल्ड राइस, थोड़ी सी सैलड है और एक मज़े की सॉस ही है। तो मैंने काइंड ऑफ हर चीज़ डाली और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाला है। आई एम गोना गो इन फॉर माय बाइट। बहुत नरम और सैमन का बहुत एक रिच टेस्ट आ रहा है। तानी यू गोना लव दिस वन। और के रोमेनियन आलू एक्चुअली इनका फ्लेवर बहुत अलग है। इट्स एक्चुअली रियली डिफरेंट टू एनीथिंग वी हैड बिफोर। इसके साथ ये क्रीम सॉस है, किस चीज़ का सॉस है यार? या इट्स लाइक अ क्रीमी सावर क्रीम आई थिंक। ओह हां सावर क्रीम। अच्छा ये वेजिटेरियन पैन है ना, और ये मतलब बिल्कुल गरम भाई, जैसे हॉट पॉट सर्व होता है बिल्कुल उसी तरह से। अच्छे ज़ुकीनी है, इसमें कैप्सिकम है, आलू है और ये मशरूम्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई लव मशरूम्स। आई एम गोना गो फॉर अ बिग बाइट। सॉस कैसा है? सॉस का ही तो कमाल है, बिकॉज ये आयरन कैस्ट पैन पे ना ये गर्म हो ही जा रहा है। रियली परफेक्ट फॉर विंटर। So this is the most traditional Romanian dessert called Papanasi. और ये होता ही है कि ये डोनट मतलब गोल डोनट होता है and they have 3 donuts usually। और जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे जैम हो और क्रीम हो। So I'm actually gonna buy it because मैं बहुत अरसे से मेरा दिल कर रहा था मैं ट्राई करूँ। ये तो बिल्कुल अंदर से ऐसा है जैसे मलाई हो। And it's actually hot. Okay, I'm gonna take a really nice bite. सो जनरली जो होते हैं पापानाश के डोनट्स वो डीप फ्राइड होते हैं, लेकिन ये वाले स्पेशल हैं, ये स्टीम्ड है और इनसे अभी तक भाप आ रही है। एक्चुअली इतना नरम है, ऐसा लग रहा है जैसे दूध की बॉल हो। इट्स एक्चुअली सो गुड। हाँ, और ये अंदर से मीठा नहीं है, इट्स नॉट स्वीट। आई थिंक सिर्फ जैम मीठा है इसमें। तो इसी डिलिशियस नोट पे हम आज की वीडियो एंड करेंगे। मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।